मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खास मौजूदगी में बुधवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वृहद रोजगार मेला युवाओं के सेवा योजन की नई व बड़ी लकीर खींच गया। गोरखपुर में ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही परिसर में युवाओं का चयन करने के लिए देश की तमाम नामचीन समूह समेत 121 कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इन कंपनियों की तरफ से 20,000 से अधिक युवाओं का साक्षात्कार लिया गया। सारी प्रक्रियाओं के बाद एक ही दिन में ऑन द स्पॉट 5,163 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी मिल गया। इस सफलता से उत्साहित सरकार अब हर जिले में इस तरह के रोजगार मेले आयोजित करेगी। उल्लेखनीय है कि युवाओं को रोजगार की हर संभावना पर योगी सरकार की नजर रहती है। सरकारी नौकरी और स्वरोजगार की अनेक योजनाओं से नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में निजी क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाओं को विस्तार देने में रोजगार मेले बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बुधवार को गोरखपुर में आयोजित वृहद रोजगार मेला इसकी तस्दीक भी करता है। इस मेले में एक ही दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5,000 से अधिक नौजवानों के करियर को नई दिशा मिली है। अब वे अपने घरों के कमाऊ पूत बन गए हैं। खास बात यह है कि वृहद रोजगार मेले में युवाओं का चयन कई प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ है। बड़ी कंपनियों में कार्य अनुभव इन युवाओं के भविष्य के लिए सुनहरा अध्याय सरीखा होगा। गोरखपुर के वृहद रोजगार मेले में कुल नियुक्तियों में 2,500 से अधिक देश की बड़ी व मशहूर कंपनियों में हुई है। मोबाइल हैंडसेट निर्माता ओप्पो एवं मोटोरोला ने 650 युवाओं को नौकरी दी। ऑटोमोबाइल सेक्टर की विख्यात कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 240, फेई एम इंडस्ट्रीज ने 200, पेड ग्रेट इलेक्ट्रॉनिक ने 200, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने 162, एलएनटी समूह ने 130, जुबिक्सो प्राइवेट लिमिटेड ने 122, ओकाया पावर ने 104, पॉली मेडिकेयर ने 103, लार्स मेडिकेयर ने 100, गुड वर्कर ने 100 युवाओं का अंतिम चयन आकर्षक वेतन पर विभिन्न पदों पर किया है। इसके साथ ही हुंडई, डिक्सन, LIC व न्यू हॉलैंड जैसी कंपनियों ने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपने साथ काम करने का अवसर दिया है। गोरखपुर के वृहद रोजगार मेले में नियुक्ता कंपनियों और नौजवानों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे रोजगार मेले हर जिले में आयोजित किए जाएं। सरकार की इस पहल से युवाओं को रोजगार मिलने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी।